जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 मार्च 2021 के कुंभ राशि फल और तुला राशि फल के बारे में। ये दिन तुला राशि और कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। 16 मार्च का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा और इस दिन बड़े ही सुंदर योग बन रहे हैं। एक तो ब्रह्म योग बनेगा सुबह 8:15 तक। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा पूरे दिन और अमृत सिद्धि योग रहेगा पूरा दिन और रवि योग रहेगा, ये भी पूरा दिन रहने वाला है, बल्कि अगले दिन तक रहने वाला है। तीन महायोग में ये दिन आया है और इस दिन चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है, मंगल की राशि में चंद्रमा है, सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से 12:54 तक। तो यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है वो तो अच्छी है ही, लेकिन साथ में जो योग हैं वो बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं और इन योगों का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरह से प्रभाव होगा, तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, सबसे पहले हम कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि की अगर हम चंद्रमा की स्थिति के बारे में जानें तो वो है आपके तीसरे भाव में, जो कि आपके छोटे भाई बहन का, साहस का, पराक्रम का भाव है। तो ये स्थिति बेहद अच्छी है, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे। मुसीबतें या परेशानियां आती हैं, चली जाती हैं, ये एक क्रम है जो चलता रहता है, लेकिन आपने ये ज़रूर जाना है कि मुश्किलों से किस तरह से निपटना है, अपनी सकारात्मक सोच रखने से क्या फ़ायदा होते हैं, और परिस्थिति को यदि आप सही तरीके से संभाल सकते हैं तो हर चीज़ को आप काबू में कर सकते हैं, हर चीज़ से आप आसानी से निकल सकते हैं, हर परेशानी को आप आसानी से हल कर सकते हैं, और इन चीज़ों को सीखकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप इस दौरान अपने कार्यस्थल पर उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो आपकी छवि को खराब करना चाहते हैं या आपके काम को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको बुरा और खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाशें और उनका प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए ऐसे लोगों की तलाश जरूर करें। आपके पूरे परिवार का स्नेह है आपको मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और कुछ मित्र आपके लिए बड़ी मददगार साबित होने वाले हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी, ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा, कुछ अचानक से लाभ के योग बन रहे हैं। यहाँ मंगल आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रहे हैं, धन लाभ के योग तो बनेंगे ही, जमीनी लाभ भी आपको मिलने का योग है। माता पिता का यदि स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था तो वो भी अब सुधरेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी मधुरता से भरा रहेगा, योगों का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। ये तीन योग मिलकर आपके इस दिन को सफल बनाएंगे। छात्रों के लिए भी ये समय अपनी मेहनत का फल पाने का है, मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा, अपनी पढ़ाई को आप का प्राथमिकता देंगे। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपका व्यापार भी ठीक तरीके से चलेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो जीवन साथी से बात करते समय थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि बातों में थोड़ा सा आपके बातों की वजह से थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। बाकी समय अनुकूल है, प्रेम जीवन भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है, जहाँ स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी और घर में सुख शांति का भाव रहेगा। तो ये जो योग बने हैं इन योगों का प्रभाव आपके काम काज में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। खर्चे का योग भी है, लेकिन ये खर्चा आप अपनी मौज मस्ती के लिए करने वाले हैं और भविष्य के लिए कुछ निवेश करने का अगर आप सोच रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं, उसके लिए भी दिन काफ़ी अनुकूल है। क्योंकि जब भी ऐसा योग आता है, सर्वार्थ सिद्धि हुआ, अमृत सिद्धि हुआ, रवि योग हुआ, और जब तीनों योग एक साथ बनते हैं तो वो जो दिन होता है वो निवेश करने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए, जमीन खरीदारी या वाहन की खरीदारी, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। स्वास्थ्य तौर पर भी आपका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का भरपूर लाभ आपको मिल पाएगा। बस इसी तरह से पॉजिटिव रहें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। उपाय के तौर पर आप इस दिन अपने इष्ट देव को फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा समय होगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए जो यहाँ समय है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सप्तम भाव में चंद्रमा पहुंच चुके हैं, यानी कि व्यापार के भाव में, साझेदारी के, दाम्पत्य जीवन के भाव में। अब स्थितियां जो हैं वो परिवर्तित होंगी और तुला राशि के लोगों के लिए
बेहद अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। भाग्य जबरदस्त रहने वाला है, जबरदस्त तरीके से भाग्य साथ देगा। आपके सामने जो कठिनाइयां थी वो ऐसे पल भर में गायब हो जाएंगी, सारी कठिनाइयां दूर होंगी और जो रुके हुए काम थे वो तेज गति से चलेंगे। जो शोध करता है उनको अच्छा समय रहेगा, आपकी खोज कामयाब हो सकती है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं, आप PhD कर रहे हैं या आप ऐसी किसी पढ़ाई से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेखन के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला, फिल्म, TV, विज्ञापन, इन सभी चीज़ों से आप जुड़े हैं तो बहुत अनुकूल रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुछ नई परियोजनाओं पर आप काम करेंगे और आपके काम को सराहना भी मिलेगी। इस दौरान विदेश से कुछ अच्छे संपर्क बनने का योग बना हुआ है, आय भी आपकी स्थिर रहेगी। भौतिक सुख अच्छे होंगे, भौतिक सुखों पर आप खर्चा भी करने वाले हैं। अब खर्च होगा तो जब भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे ही। कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपकी प्रगति में सहायक होंगे। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे आप, तो बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं और इन तीन योगों का प्रभाव आपके लिए रहेगा। आर्थिक रूप से भी समय अच्छा रहेगा, खासकर व्यापारियों के लिए। आपका व्यवसाय तरक्की करेगा, आप संतुष्ट रहेंगे अपने कार्य से और आपको पता है कि आप किस चीज़ का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने काम को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने काम पर डटे रहना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। सामने वाले को एक झलक से पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। इस तरह से आप खुद को तैयार आपने किया है और उसमें उसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा। कार्यालय में अगर कोई ऐसा माहौल बना हुआ था तनावपूर्ण, तो उसे भी आप सुखमय माहौल में परिवर्तित कर देंगे और जो माहौल है उसमें काफ़ी शांति लेकर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर आप बस ध्यान ना दें, अपने जीवन साथी की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आपको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा ताकि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद रह सके। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने साथी को अगर कुछ बताना चाहते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बताएं, आपका प्रेम जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान पत्नी की सलाह बेहद काम आ सकती है, पत्नी की सलाह को सुने, उससे आपको लाभ होने के योग बने हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा और आत्मविश्वास से भरे होंगे। रौब भी कहीं ना कहीं आपके अंदर होगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है, जीवन साथी काम करता है, तो उसके लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है, अपने लाभ को कमाने का बहुत अच्छा समय है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का स्तर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़े भावुक हो सकते हैं जो आपको मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान कर सकता है, तो उससे थोड़ा ध्यान आपको रखनी होगी। बाकी समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।